अभी यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हैं, नो इंटरव्यू रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स इन 23 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मतलब अब ये बोल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। कौन कौन से सेक्टर के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आप देख सकते हैं, इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैज बीन एबोलिश्ड इन 23 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज सो फार, एंड एक्सरसाइज दैट स्टार्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी ऑन 2016। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया नहीं जाएगा। आप एग्जाम देंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी का, तो आपको इंटरव्यू देने का ज़रूरत नहीं है, आपका रिटन एग्जाम देख के ही आपको जॉब दिया जाएगा। ये एप्लीकेबल हर एक यूनियन टेरिटरीज जो है, न्यूली एडेड जो है आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उनको भी बोला जा रहा है, एंड ऑल जो 23 आपका आप बोल सकते हैं स्टेट्स है सभी के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के तरफ से इसको अप्रूव किया गया है, तो बहुत ही एक आप बोल सकते हैं इस टाइम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जो स्टूडेंट फुल कंफर्म है कि उनका रिटर्न एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, और वो स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिटर्न एग्जाम थोड़ा ख़राब हुआ है या फिर वो सोच रहे हैं कि रिटर्न एग्जाम उतना अच्छा नहीं होगा पर इंटरव्यू में वो लोग क्रैक कर सकते हैं, तो जिनका रिटर्न एग्जाम बहुत ही अच्छा हो उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ अभी सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है चलिए हम लोग थोड़ा और भी जान लेते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सजेस्टेड इन 2015 द एबोलिशन ऑफ इंटरव्यू एंड मेकिंग जॉब सिलेक्शन टोटली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट बिकॉज व्हेन एवर एन इंटरव्यू कॉल वॉज रिसीव्ड बाय अ कैंडिडेट द एंटायर फैमिली वुड गेट डिस्टर्ब्ड विद द एप्रीहेंशन एंड एंग्जाइटी। तो यहाँ पे फैमिली का एप्रीहेंशन एंड एंग्जाइटी अगर ना हो इसके लिए, एंड स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू कॉल ना आए और फैमिली स्टूडेंट ना डरे, इसके लिए डिसीजन लिया गया। अभी ये बोला जा रहा है, अभी से आपका ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो आपका जॉब्स है, अदर जॉब्स के लिए आपका इंटरव्यू होगा पर अभी के लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आप देंगे अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपका रिटन एग्जाम से ही आपको जॉब मिलेगा। हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल है, अभी कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा। बहुत ही एक बढ़िया न्यूज़ अभी आपके सामने आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये न्यूज़ आपको दिया जा रहा है, ये एप्लीकेबल किया गया है। और जहाँ पे प्रॉब्लम मेनली आ रहा है कि अभी आपको रिटन एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा एंड इंटरव्यू तक ये अभी नहीं जाएगा। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिटन एग्जाम बहुत ही अच्छे से देना है, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स के लिए रिटन एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा, उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो बहुत ही एक बड़ा न्यूज़ था, मैंने सोचा डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो का जय पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।